आउट लड़ी, दोनों जीती, क्लासिफिकेशन पॉइंट है 8, तीसरी जीतेंगी, गोल्ड मेडल जीत जाएंगी। दोनों मुकाबले हारी थी चामोदिया केशनी, दोनों के दोनों एक तरफा हारी थी, और विनेश फोगाट दोनों मैचेस जीती थी 2-0 और 6-0 से, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन पॉइंट मिलने चाहिए थे वो मिले। डबल डिफेंडिंग चैंपियन विनेश फोगाट, 2014 में 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड, 2018 में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड, 2018 एशियन गेम्स में भी इनके पास गोल्ड, और यहां 2022 बर्मिंगम में भी गोल्ड की पूरी तैयारी है। पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं, क्लासिफिकेशन पॉइंट अच्छे खासे इनके हाथ में हैं, और ये मुकाबला जीतकर विनेश गोल्ड सुनिश्चित कर लेंगी। श्रीलंका बनाम भारत, रवि दहिया इससे पहले गोल्ड जीत चुके हैं और अब बारी है विनेश फोगाट की दोस्तों, और देखना बस यही है कि कितनी देर में विनेश ये मुकाबला जीतेंगी, क्योंकि पलड़ा उनका जाहिर तौर पर भारी है, लेकिन चामोदिया जो कि श्रीलंका की हैं, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, क्या कहीं विनेश की पार्टी वो खराब कर सकती हैं? असंभव है, लेकिन होनी को कुछ भी हो सकता है, आपकी बात मान भी ली जाए सुनील। नहीं, मेरी बात तो ये कि विनेश गोल्ड ला रही है। बढ़िया। खेलों में हम किसी को कमतर नहीं आंक सकते, और आंकड़ा भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विनेश यहाँ पर ये मुकाबला रह भी जाती है तो भी गोल्ड विनेश का ही है, क्योंकि क्लासिफिकेशन पॉइंट उनके ज्यादा है। लेकिन श्रीलंकन रेसलर का फायदा जरूर हो जाएगा, वो सिल्वर या ब्रांज पे आके खड़ी हो जाएगी। यहाँ तो चित करने की कोशिश में है विनेश, 4 पॉइंट की लीड है। पावलिना जियोर्जियो देख रही हैं कि दोनों कंधे मैट पे कब लगाएंगी विनेश। विनेश घुमा दीजिए चामोदिया को अच्छी तरह से, स्टेडियम की छत भी दिखा दीजिए, पर चामोदिया की तारीफ है, अब तक तारीफ है। जिस पोजीशन में विनेश हैं, दोनों कंधे उनके मैट पे लगने थोड़े से मुश्किल। पावलिना जियोर्जियो भी देख रही हैं कि दो कंधे मैट पे लगे या नहीं। पीछे से आवाजें आ रही हैं, बस करो विनेश, क्या खुद ही ये गिव अप कर सकती हैं, क्योंकि एकदम किसी भी तरह से कोई आशा नहीं दिख रही चामोदिया को विनेश की इस पकड़ से छूटने की। पावलिना जियोर्जियो कितना टाइम ले रही हैं अपना फैसला बनाने में, क्योंकि उनको दोनों कंधे मैट पे चाहिए। चामोदिया पूरी तरह से बेबस नजर आ रही हैं विनेश की इस ग्रिप के अंदर, कोई आसार नहीं मिल रहे चामोदिया को इस पकड़ से छूटने के, और पावलिना लगातार मैच चेयरमैन की तरफ भी देख रही हैं कि क्या इस बाउट को मैं खत्म घोषित करूं। बिल्कुल नहीं, जब तक शोल्डर नहीं लगते हैं बाइफॉल नहीं माना जाता, और डेंजर पोजीशन में चाहे पूरा समय समाप्त हो जाता तब भी रेफरी मैच चेयरमैन जज इसको छुड़ाने के लिए कभी भी छुड़ा नहीं सकते, और डेंजर पोजीशन में है इसीलिए 4 पॉइंट विनेश को मिले थे। ये मूव तब तक चलता रहेगा या तो राउंड खत्म हो जाए या कंधे लग जाए जमीन पर। तीसरी लगातार जीत विनेश फोगाट के लिए, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के लिए, गोल्ड मेडल भारत के लिए, 11वां गोल्ड मेडल, मुबारक 11 का शगुन विनेश फोगाट और भारत। लगातार तीसरा गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की चैंपियन विनेश फोगाट को मिला है, और आज के दिन रेसलिंग से मिलने वाला ये दूसरा गोल्ड मेडल है। रवि कुमार दहिया और अब विनेश फोगाट, जैसी आशा थी आसानी से अपना गोल्ड मेडल लेकर यहां से जा रहे हैं। ये डेंजर पोजीशन में गिराया था, 4 पॉइंट लिए थे, उसके बाद बहुत देर तक तिरंगा शान से लहलहाने लगा। ग्यारहवां गोल्ड मेडल भारत को मिल चुका है, और कुल मिला के 33 मेडल अब हो चुके हैं, 11 गोल्ड, 11 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज।